हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे देखिए पहले क्या लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे कुछ क्वेश्चन के बाद। जैसे ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि वॉट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्री। तो ये जो ट्री है इसका हाइट क्या हो सकता है और हाउ टू मेजर इट, तो उसको मेजर भी किस तरह करेंगे। दूसरा जो पिक्चर इसमें क्या लिखा कि हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द सी शोर, समुद्र के किनारे से बोले या ये लाइट हाउस से, तो ये कितने दूर पे ये जो शिप है ये है यहाँ पे, मतलब कितने दूर पे, कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वी कैन मेजर डिस्टेंस बाय यूजिंग ए रोप। अगर हमको कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना होता है तो एक रोप के मदद से, एक रस्सी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और बाय वॉकिंग ऑन ग्राउंड या हम अपने पैरों का जो कदम होता है उसके बेस पे भी हम कुछ डिस्टेंस, कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखा कि बट हाउ टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए शिप एंड ए लाइट हाउस। तो लाइट हाउस और शिप के बीच का जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे पानी से भरा हुआ है पूरा, इसका डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे। या दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ ए टॉल ट्री, और एक टॉल ट्री होगा बहुत ज़्यादा, तो उसका मेजर, उसका जो हाइट है उसका मेजर किस तरह करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्री में है, लेकिन वो आप इस क्लास में, मतलब नाइन्थ क्लास में आप नहीं सीखोगे इसको। इसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है, डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, वो आपको टेंथ क्लास में मिलेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा आपको। तो देखिए क्या लिखा है कि ऑब्जर्व द अबो पिक्चर्स। तो हमने ऑब्जर्व किया ऑलरेडी, क्वेश्चन इन द पिक्चर्स आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। अगर ये क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखा है, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एक मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के एक सब्जेक्ट से, एक टॉपिक से रिलेटेड है, और वो है ट्रिग्नोमेट्री। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूजफुल टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो जो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, वो आपके लिए एक सोल्यूशन है, उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन। तो नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी में और इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, ये आपको बाद में पता चल सकता है, राइट नाउ अभी आपको नहीं पता चलेगा, पर ये सारे जगहों पर इसका यूज़ होता है, और वो एक नया चीज़ हम यहाँ पे इस क्लास में सीखने वाले, क्लास नाइन्थ में। तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड बना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री बना है ये कैसे बना है। तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स। तो तीन ग्रीक के जो वर्ड्स थे, उन थ्री वर्ड्स से ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। और वो थ्री वर्ड्स क्या थे, पहले तो ट्राई लिखा है, फिर गोना लिखा है, और फिर मेट्रॉन लिखा है। तो ट्राई गोना मेट्रॉन ऐसा करके मिला के ट्राई ट्रिग्नोमेट्री बना। और ट्राई का मतलब थ्री होता है, और गोना का मतलब साइड्स होते हैं, और मेट्रॉन का मतलब उनके मेजरमेंट्स होते हैं। तो तीन साइड के मेजरमेंट्स डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से जो हम करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, उनके रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं, उन सब को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ टर्म्स हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने से पहले। और क्यों राइट एंगल ट्राइंगल, ये अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। इसके सिवा कोई और ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, उसका जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो अप्लीकेबल नहीं है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही समझा जा सकता है। तो इसीलिए हमको कुछ टर्म्स है जो ऑलरेडी पहले हमको एक बार देखना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट 8.1 को शुरू करने से पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है, वहाँ पे बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो है उसको 90 डिग्री लिया गया है। तो आपको पता है कि जो एंगल 90 डिग्री होता है और वो जो बेस और हाइट से बना हुआ होता है, जो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को, उस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स के अपोजिट में जो होता है वो हाइपोटनेस होता है। तो 90 के सामने ये है, तो ये हाइपोटनेस है। हाइपोटनेस आपको क्लियरली आपको पता लगाना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से हमेशा नहीं आएगा, ये रोटेट होके किसी भी डिग्री में आ सकता है, वो इस तरीके से बन सकता है, कैसे भी घुमा के ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया जा सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाइपोटेनस का है, और हाइपोटेनस हमेशा 90 के सामने होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि अब हमारे पास जो 90 डिग्री है उसको छोड़ के दो एंगल बचता है, एक एंगल सी और एक एंगल
ए, और वो दोनों भी एक्यूट एंगल है बिकॉज वो दोनों भी उनका दोनों भी जो भी मेजर रहेगा वो 90 से छोटा ही रहेगा। तो किसी दोनों में से किसी एक एंगल के बारे में हमको यहाँ पे समझना है, दोनों एंगल देखेंगे लेकिन एक एक एंगल लेना। और ये दो एंगल जो एक्यूट एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टडी है वो एक्यूट एंगल के लिए ही है। तो जैसे अगर एंगल ए लेते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं एंगल ए, तो देखिए एंगल ए के लिए सामने जो साइड आ रहा है वो बी सी आ रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। और एंगल ए के जो बाजू में है, बाजू में ये भी है पर ये हाइपोटनेस हो चुका है, तो जो एक बार हाइपोटनेस होता है उसको हम कुछ नहीं और कर सकते, वो हमेशा के लिए उस फिगर में हाइपोटनेस ही रहेगा। तो एंगल ए के लिए दो बाजू बाजू वाले साइड है और बाजू वाले साइड को एडजेसेंट बोलते हैं, जिसमें से ये वाले बाजू को हम छोड़ देंगे बिकॉज ये हाइपोटनेस है, तो जो दूसरा अवस्था है वो एडजेसेंट है। तो आपको याद क्या रखना है कि उस वर्टेक्स के सामने जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा और उस वर्टेक्स के जो बाजू में रहेगा वो एडजेसेंट साइड रहेगा। तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए जो है वो बी सी है और एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए जो है वो ए बी है। लेकिन अगर एंगल सी लेते हैं हम जैसे यहाँ पे, तो इसके लिए अब अपोजिट ये हो जाएगा क्योंकि इसके सामने, जैसे इसके सामने ये है तो ये अपोजिट है, तो इसके सामने ये है तो ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी रहेगा। और उसके बाजू में जो एडजेसेंट साइड जो हमको फाइंड आउट करना है, तो ये वाले को फिर से हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सी के बाजू में दोनों भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं, लेकिन इसको हमको इसलिए छोड़ना बिकॉज ये हाइपोटनेस हमने फिक्स कर लिया है, तो इसको छोड़ देंगे, ये हाइपोटनेस हो जाएगा, तो ये बन जाता है उसका एडजेसेंट, तो इसलिए यहाँ पे लिखा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। तो आपको ये 8.1 में ये दो ये तीन चीज़ें ये आपको क्लियरली समझने आना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल को एक्यूट एंगल को लेके हाइपोटनेस क्या है, अपोजिट साइड क्या है और एडजेसेंट साइड क्या है, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो 8.1 आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा एक टेस्ट लेते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री है और उसके बाद हमारे पास दो एक्यूट एंगल बचता है, एक पी और एक आर। तो यहाँ पे क्या लिखा कि साइड अपोजिट टू एंगल पी, तो एंगल पी ये है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, तो इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे अपोजिट में, तो वो साइड का नाम है क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू आर, उसका अपोजिट जो साइड है वो क्यू आर है। फिर लिखा कि साइड अपोजिट टू एंगल आर, एंगल आर के लिए जो अपोजिट है वो ये है पी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू, क्योंकि ये चीज़ आपको आना चाहिए। फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, तो देखिए एंगल पी ये है, इसके एडजेसेंट बोला है, तो एडजेसेंट आपको बताया था कि जो उसके बाजू में होगा, तो बाजू में मैंने फिर से बोला कि दोनों है लेकिन ये हमने ऑलरेडी समझा कि हाइपोटनेस है, तो ये हाइपोटनेस हो गया। तो ये जो बच रहा है पी क्यू, ये हो जाएगा एंगल पी के लिए एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे पी के लिए हम लिखेंगे वो हो जाएगा पी क्यू। उसी तरह अगर साइड एडजेसेंट टू एंगल आर बोला है, तो ये फिर से हाइपोटनेस हो गया, तो देखिए आर ये है वर्टेक्स, इसके बाजू में ये एक साइड है ये एक साइड है, दोनों एडजेसेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसको हमने हाइपोटनेस फिक्स किया है वो हमेशा हाइपोटनेस रहेगा, उसको एडजेसेंट साइड नहीं ले सकते, इसके लिए बचता है ये वाला साइड क्यू आर। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल आर जो है वो क्यू आर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू आर। अगर ये जो चीज़ हमने किया है ये अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरह अपोजिट साइड फाइंड आउट करेंगे, किस तरह एडजेसेंट साइड फाइंड आउट करेंगे दोनों एक्यूट एंगल का, तो 8.1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए अब हमको जो समझना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, जो टेक्स्ट बुक के मेथड से डिफरेंट है थोड़ा सा आपको समझने के लिए। जैसे ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम हमने लिख दिया ए बी और सी, और इस साइड को हमने शॉर्ट फॉर्म में ए अज़ूम किया है, इस साइड को शॉर्ट फॉर्म में बी अज़ूम किया है और इस साइड को शॉर्ट फॉर्म में सी अज़ूम किया है। तो यहाँ पे आपको तीन साइड दिख रहा है, एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है और एक सी दिख रहा है, और ए का मतलब है ए बी और बी का मतलब है बी सी और सी का मतलब है ए सी। अब अगर आपको मैं पूछूं कि यहाँ पे आप कितने रेशियो फॉर्म कर सकते हो साइड अपॉन साइड, कौन से साइड अपॉन साइड जो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब वन साइड अपॉन अदर साइड, वन साइड अपॉन अदर साइड, लेकिन कोई भी साइड रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये अपॉन ये लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, साइड ए अपॉन साइड बी, ए अपॉन बी, ये एक साइड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर ये दोनों साइड को भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं साइड बी अपॉन साइड सी, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गया, एक है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहाँ पे तीन साइड हमने एक दूसरे के उसमें लिख लिया, जैसे ये है साइड, तो ये अपॉन ये लिखा है ए अपॉन बी, फिर बी अपॉन सी लिखा है और सी अपॉन ए, तीन हम लोगों ने डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है रेशियो का वो फाइंड आउट किया है। तो इस ट्राइंगल में क्या सिर्फ तीन ही रेशियो अवेलेबल है, या तीन ही रेशियो हैं, या और कोई रेशियो नहीं है?
तो अगर आपको लग रहा है नहीं सिर्फ तीन है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड अपॉन थर्ड और थर्ड अपॉन फर्स्ट, तो एक चीज़ और बताता हूँ उल्टा। जैसे ये इस सी अपॉन ए है तो हम इसको ए अपॉन सी भी कर सकते हैं, ए अपॉन सी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सी अपॉन ए और ए अपॉन सी सेम है तो ये चीज़ आपको बताता हूँ कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सी अपॉन ए, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि वन अपॉन टू और इसको उल्टा कर देते हैं टू अपॉन वन, क्या ये दोनों इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि वन अपॉन टू का मतलब हाफ होता है और टू अपॉन वन का मतलब टू होता है, तो हाफ और टू ये दोनों सेम नहीं होते हैं। उसी तरह सी अपॉन ए जो रेशियो मिला था और हमने जो ए अपॉन सी फाइंड आउट किया, दोनों डिफरेंट है। जिस तरह सी अपॉन ए को हमने ए अपॉन सी किया, उस तरह बी अपॉन सी को हम लिख सकते हैं सी अपॉन बी, ये भी अलग हो जाएगा। उस तरह ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए, ये भी अलग हो जाएगा। तो टोटल अगर आप देखते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशियो बना है, और ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो ही हमको स्टडी करना है, 6 रेशियो ही पढ़ना है। और वो जो 6 रेशियो है वो आपको मैं फुल फॉर्म में पहले लिख के बताता हूँ। एक है साइन, एक है कोसाइन, एक है टेंजेंट, एक है कोटेंजेंट, एक है सीकेंट और एक है कोसीकेंट। ये सब नाम है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 6 अलग अलग रेशियो है इनको अलग अलग तरीके से याद रखना है, और इसीलिए इनका नाम दिया गया है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, साइन को इस तरह लिखा जाता है साइन, कोसाइन को लिखा जाता है कॉस, टेंजेंट को लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ टेन, कोटेंजेंट को लिखा जाता है सिर्फ और सिर्फ कॉट, सीकेंट को लिखा जाता है सेक, कोसेकेंट को लिखा जाता है कोसेक। फिर देखिए ये जो आप देख रहे हो 6 रेशियो, 9th क्लास में हमको सिर्फ 3 रेशियो पढ़ना है, और वो ये है स्टार्टिंग के 3, मतलब साइन, कॉस और टेन, बस इतना पढ़ना है। बाकी के जो 3 हैं ये हमको 10th स्टैंडर्ड में कवर करना है। अब ये 3 क्या है, देखिए कोई भी एक रेशियो, यहाँ पे बहुत सारे रेशियो, जैसे अगर हमने ये एंगल लिया, ये एंगल, तो इसका अपोजिट साइड क्या है ए, और इसका हाइपोटेनस क्या है सी। तो ए अपॉन सी जो आप रेशियो यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे ये रेशियो, इसको नाम दिया गया है साइन। फिर देखिए, फिर इसी एंगल के लिए एडजेसेंट साइड क्या है बी, और हाइपोटेनस क्या है सी, तो इसको नाम दिया गया है कॉस। और फिर इसी एंगल के लिए अपोजिट साइड क्या है ए बी, मतलब ए, और एडजेसेंट क्या है बी सी, बी सी मतलब बी, इसको नाम दिया गया है टेन। तो ये 3 चीज़ हमको समझना है, एक ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एक ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और एक ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये 3 ही हमें पढ़ना है। साइन इस तरह लिखेंगे ओनली, साइन एस आई एन साइन। तो चलिए अब इसके बाद ये 3 फॉर्मूले जो हमने देखा कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एक हिसाब से आपको याद रखना है, बिकॉज यही चीज़ हम देखने वाले हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए, इसलिए हमको ये 3 रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह याद रखना है। जैसे अगर साइन थीटा देखते हैं, थीटा मतलब ये वाले एंगल को, और यहाँ पे 2 तरीके से हम नाम बोल सकते हैं, एक थीटा और एक एंगल सी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा मतलब एंगल सी और अपॉन हाइपोटेनस। तो इस रेशियो को ए बी को और ए सी को, जैसे ए अपॉन बी, बी अपॉन सी जो हमने पीछे देखा था, तो ए बी अपॉन ए सी इस रेशियो का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी ये हो जाएगा कॉस थीटा, और टेन थीटा के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो ये 3 रेशियो ही हमको याद रखना है। और थोड़ा सा अगर आपको क्लू दूँ तो ये ओ अपॉन एच जो है ओ अपॉन एच, और ये ए अपॉन एच जो है ए अपॉन एच, और ये ओ अपॉन ए जो है ओ अपॉन ए, तो हम थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं ये है ऊह और ये है आह और ये है आउच, उल्टा आउच नहीं है आउच, ऐसा उल्टा है। तो अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो भी आपको याद रहेगा, मतलब आप भूलोगे नहीं। ये ऊह है, ये आ है और ये आउच है, ये नीचे से ऊपर है, तो इस बेस पे आप इसको याद रख सकते हो। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब इसके देखिए आगे ये देखना है कि समटाइम्स वी राइट मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल, ये जो एक्यूट एंगल है उसको हम कभी कभी क्या करते हैं, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बाय यूजिंग ग्रीक लेटर्स सिंबल थीटा, जिसे यहाँ पे थीटा लिखा है, तो यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा का मतलब है कि इस एंगल को हम, इस एंगल का बात कर रहे हैं। या आप अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे अल्फ़ा लिखा रह सकता है, यहाँ पे भी लिखा रह सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी, 90 डिग्री पे नहीं आएगा कभी भी, वो हमेशा एक्यूट एंगल पे रहेगा। और एक है बीटा, तो थीटा अल्फ़ा और बीटा ये आप सिंबल भी ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हो,
और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनसे, सिर्फ उससे ये पता चले कि ये एंगल की बात हो रही है। अगर अल्फ़ा बोलेंगे और अल्फ़ा यहाँ पे लिखा रहेगा तो इस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा देगा, इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल सी इज डिनोटेड बाय लेटर थीटा। तो इसको डिनोट किया है थीटा से। सो वी कैन राइट द रेशियोज साइन सी बोल सकते हैं, कॉस सी बोल सकते हैं, टेन सी बोल सकते हैं, या इसके जगह पे हम बोल सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा कि साइन सी, किसी ने अगर साइन सी पूछा है तो साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वो समझना है। लेकिन सी मतलब इस एंगल के बारे में पूछा है, और उसको वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, साइन सी के जगह पे वो साइन थीटा भी पूछ सकते हैं। और देखिए उसका वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। क्यों ए बी अपॉन ए सी है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और अपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। कॉस सी में ये पूछा है, और कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस सी को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं कॉस थीटा, और एडजेसेंट साइड का नाम बी सी है और हाइपोटेनस का नाम है ए सी। जैसा देखिए ऊह मैंने बोला था और आह बोला था और आउच बोला था, तो आउच में हमने ऐसा बोला था आउच, तो अपोजिट और हाइपोटेनस, अपोजिट और हाइपोटेनस एंगल थीटा के लिए, एंगल सी के लिए, तो ए बी और ए सी है, इसलिए ए बी अपॉन ए सी आया। फिर एडजेसेंट और हाइपोटेनस, एडजेसेंट थीटा के लिए बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अपोजिट और एडजेसेंट, तो अपोजिट ए बी है और एडजेसेंट बी सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। और इसीलिए यहाँ पे टेन सी और टेन थीटा का मतलब आपको पता चल गया कि इसके दो नाम है। लेकिन उसी तरह अगर यहाँ पे अल्फ़ा लिखा है तो हम इस एंगल को इस तरह नाम बोल सकते हैं, साइन ए भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं साइन अल्फ़ा। और फिर उसके बाद इसका क्या कहते हैं कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेनस है, तो साइन अल्फ़ा के लिए अपोजिट बी सी है और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा ए सी, तो उसका वैल्यू हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए सी। अगर कॉस के बारे में पूछे तो कॉस ए बोल सकते हैं हम उसको, या हम इसको बोल सकते हैं कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो अल्फ़ा के लिए एडजेसेंट ए बी क्योंकि हाइपोटेनस है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या रहेगा ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो ए के लिए या अल्फ़ा के लिए एडजेसेंट साइड ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, इसके लिए हमने ए बी अपॉन ए सी लिया है। फिर अगर टेन के बारे में करें इस एंगल के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं टेन ए बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं टेन अल्फ़ा, और उसका फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन अल्फ़ा के लिए अपोजिट ये है बी सी, और उसका जो एडजेसेंट है वो है ए बी, तो यहाँ पे ऐसा आ सकते हैं। बस जो आपको मैंने बताया है बस इसी तरह हमको 8.1 ही सॉल्व करना, टोटली यही चीज़ करना है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए अब 8.1 शुरू करते हैं। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हमने ये 6 रेशियो फाइंड आउट किया था, एक था ए अपॉन बी तो एक था बी अपॉन ए उसका उल्टा, एक था बी अपॉन सी तो एक था उसका सी अपॉन बी उल्टा, एक था सी अपॉन ए तो एक है उसका उल्टा ए अपॉन सी। यहाँ पे तीन रेशियो जो आप देख रहे हो उसके तीनों रेसिप्रोकल यहाँ पे, उसी तरह इसीलिए मैं अब ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओ अपॉन एच देखा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेकिन का उल्टा हो जा रहा है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। फिर साइन का हमने देखा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेकिन का यानी सॉरी सेकेंड का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और टेंजेंट का हमने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट देखा है, तो कॉर्ड का हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। मतलब तीन फॉर्मूला जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर में हम ये तीन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो जस्ट उसके अपोजिट रहेंगे। साइन का अपोजिट कोसेक रहेगा, कॉस का अपोजिट सेक रहेगा, और टेन का अपोजिट कॉट रहेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8.1। देखिए प्रैक्टिस सेट 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 8.12 मतलब इस फिगर में एंगल आर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री है। तो हमसे बोला कि राइट द फॉलोइंग रेशियोज, तो हमको ये चार रेशियोज फाइंड आउट करना है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटेनस। तो ये साइड हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस कभी भी किसी का एडजेसेंट या किसी का अपोजिट नहीं बनेगा, क्योंकि हमको 90 डिग्री लेना ही नहीं, हमको एक्यूट एंगल से काम रहता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए अब हमको साइन पी बोला है, तो अब इसके अंदर अगर ये हाइपोटेनस है और हमसे साइन पी पूछा है मतलब ये वाला एंगल पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पी, और उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए साइन पी के लिए अपोजिट क्या है, साइन पी के लिए अपोजिट आर क्यू है या क्यू आर बोल सकते हो, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस पी क्यू है,
तो हाइपोटेनस पी क्यू लिख सकते हैं, तो बस इतना ही करना हमको। तो ये हो गया साइन पी का वैल्यू। अब कॉस क्यू का पूछा है, तो कॉस क्यू के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस क्यू का फॉर्मूला क्या है, या कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर आप कॉस क्यू के लिए, कॉस क्यू पूछा, देखिए ये वाला, ये नहीं पूछा है, सॉरी यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू। तो क्यू के लिए एडजेसेंट साइड क्यू आर है, क्योंकि क्यू के सामने आ रहा है पी आर, वो अपोजिट है, और ये वाला हाइपोटेनस है, तो क्यू आर जो है वो उसका एडजेसेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर। और फिर डिनोमिनेटर में हमको हाइपोटेनस बोला है, तो हाइपोटेनस क्या रहेगा, पी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू। तो इस तरीके से कॉस क्यू का वैल्यू जाएगा। अब अगर टेन पी पूछा है, तो पहले टेन पी जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। और टेन पी का आपको, या टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा टू एडजेसेंट। तो अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी। तो एंगल पी के लिए अपोजिट साइड है क्यू आर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी। पी के लिए एडजेसेंट साइड ये हाइपोटेनस है, तो ये बच रहा है पी आर, तो हो जाएगा पी आर, और ये हो जाएगा। फिर हमको लिखना है टेन क्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन क्यू, और टेन क्यू पूछा है, फिर से टेन ही पूछा है, तो सेम ही फॉर्मूला आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू आ जाएगा, बिकॉज क्यू पूछा है, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू। तो क्यू के लिए अपोजिट साइड है पी आर, तो यहाँ पे पी आर आ जाएगा अपॉन एडजेसेंट साइड क्यू के लिए आर, क्यू आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर। और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो बस क्वेश्चन वन जो है इसी तरह सॉल्व करना एकदम सिंपल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इस ट्राइंगल में एंगल एक्स वाई जेड मतलब वाई, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है वाई 90 डिग्री है। एंड ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स एज शोन इन द फिगर। तो ए जो है इसका लेंथ है, बी जो है इसका लेंथ है, और सी जो है इसका लेंथ है। फिर हमसे बोला कि राइट द फॉलोइंग रेशियोज, साइन एक्स बोला है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 90 है तो ये वाला जो है एक्स जेड, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं, तो ये उसका हाइपोटेनस है। तो एक बार जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, वो किसी का एडजेसेंट किसी का अपोजिट नहीं बन सकता है। अब हमसे साइन एक्स पूछा है, तो एक्स मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं साइन एक्स का, और साइन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ऊह मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो एंगल एक्स के लिए जो अपोजिट है वो इसके सामने आ रहा है, और वो है वाई जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड अपॉन उसका जो हाइपोटेनस है वो है एक्स जेड, क्योंकि 90 के सामने वाला, तो आ जाएगा एक्स जेड। फिर इसके बाद आपको एक ही चीज़ करना है, आप नीचे लिखना है, यहाँ पे प्लेस के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखिए वाई जेड जो है, वाई जेड उसका लेंथ दिया है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन एक्स जेड जो है उसका भी लेंथ दिया सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, और ये उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड अगर देखते हैं, तो टेन जेड सॉरी टेन जेड पूछा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेन जेड, और टेन का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, वो है ऊआ मतलब आउच। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल जेड अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल जेड। तो एंगल जेड यहाँ पे इसका अपोजिट देखेंगे तो वो है एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई अपॉन उसका एडजेसेंट देखेंगे तो एडजेसेंट ये आ जाएगा, बिकॉज ये है हाइपोटेनस, तो वाई जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड। और फिर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ फिर से वही चीज़ कि एक्स वाई जो है एक्स वाई उसका लेंथ बी दिया है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा अपॉन वाई जेड जो है वाई जेड उसका लेंथ ए दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए कॉस एक्स देखते हैं, तो कॉस एक्स पूछा है, तो कॉस का फॉर्मूला है आह मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेनस,
एडजेसेंट एक्स के लिए क्या है, एक्स के लिए जो एडजेसेंट है वो ये छोड़ के ये है, बिकॉज ये हाइपोटनेस है, तो एक्स वाई आ जाएगा अपॉन उसका जो हाइपोटनेस है वो है एक्स जेड, और फिर से वही है कि एक्स वाई का लेंथ बी दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा बी अपॉन हाइपोटनेस सी है तो यहाँ पे आ जाएगा सी। और एक फाइनली लास्ट है टेन एक्स पूछा है, और टेन एक्स का फॉर्मूला है ओ अपॉन ए, ओ आ करके या आउच बोलिए, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स। तो एक्स का अपोजिट साइड क्या है, एक्स का अपोजिट साइड है वाई जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड अपॉन एडजेसेंट एक्स के लिए क्या है एक्स वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई। और फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई जेड की जगह पे ए उसका लेंथ है, और एक्स वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई के पे बी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए अपॉन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू भी फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में फिर से सेम चीज़ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एलएमएन एंगल एलएमएन जो है एम वाला जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री दिया है तो ये हाइपोटनेस हो गया एलएन, और एंगल एल का जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है, और एंगल एन का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है। फिर हमसे बोला कि राइट द फॉलोइंग रेशियोज, साइन 50 पूछा है, तो साइन 50 के लिए पहले तो हम लिखते हैं साइन 50 उसका फॉर्मूला जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटनेस, तो लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 डिग्री, या आप लिख सकते हो एंगल एल भी लिख सकते हो, अपॉन हाइपोटनेस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 जो है वो है एमएन, तो यहाँ पे आ जाएगा एमएन अपॉन हाइपोटनेस अगर आप देखते हो तो वो जाएगा एलएन, बस इतना सॉल्व करना है। फिर उसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये मैं नहीं करा रहा बिकॉज सिंपल है। कॉस के लिए आप लिखोगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटनेस, 50 पूछा है तो 50 देखोगे, 40 पूछेगा तो 40 देखोगे, यहाँ पे से वैल्यूज दिया कोई डिफरेंट नहीं है, थीटा जैसा लिखा रहता है वैसा वैल्यू लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ वो देख लेते हैं, आप प्लीज़ इसको कर लीजिए ईजी, इसके लिए मैंने आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर फोर में आपको समझना ये है कि ये जो ट्राइंगल है इतना अगर पूरा देखेंगे तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होने की वजह से यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो दोनों को अगर आप सेपरेटली समझते हो, जैसा इसको आप ऐसा समझते हो और इसको अगर आप ऐसा समझते हो, तो ये 90 है और ये 90 है, तो इन दोनों में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, जैसा आप समझें कि दो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन ट्राइंगल मतलब इन फिगर एंगल PQR जो है PQR वो 90 डिग्री है, और PQS वो भी 90 डिग्री है, एंगल PRQ जो है एंगल PRQ उसको अल्फा सिंबल दिया है, और एंगल QPS उसको थीटा दिया है। फिर हमसे पूछा है तो कुछ डिफरेंट नहीं है, हमसे साइन अल्फा पूछा है, साइन अल्फा, और अगर अल्फा पूछा है तो वो ये ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब ये ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसके लिए अपोजिट जो है वो PQ है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटनेस, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा जो है वो ये है यहाँ पे, तो PQ आ जाएगा, और हाइपोटनेस अगर आप देखोगे तो वो 90 के सामने ये रहेगा और वो है PR, तो यहाँ पे आ जाएगा PR। फिर से उसके बाद कॉस अल्फा देखते हो, अगर कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा फिर से अल्फा ही पूछा है, मतलब यही एंगल पूछा है इसी ट्राइंगल का, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है वो हो जाएगा, तो वो आप लिखोगे एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटनेस। तो अल्फा का जो एडजेसेंट साइड रहेगा ये रहेगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे है तो ये रहेगा, मतलब आर क्यू रहेगा अपॉन उसका जो हाइपोटनेस है ये है, मतलब PR, तो यहाँ पे आ जाएगा PR। फिर उसी तरह आपसे टेन अल्फा पूछा है, तो आप इसको कर सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा अपॉन एंगल अल्फा। तो अल्फा के लिए अपोजिट क्या है, अल्फा के लिए अपोजिट है PQ और एडजेसेंट है RQ। फिर अगर ये पूछा है सेकेंड वाला साइन थीटा पूछा है, तो अब आपको इस ट्राइंगल में आना पड़ेगा, ये वाले ट्राइंगल में, यहाँ वाला एंगल पूछा है थीटा, तो फिर से आप साइन थीटा के लिए ओह लिख सकते हो, मतलब अपोजिट साइड
फुल फॉर्म में ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल थीटा का अपोजिट है क्यू एस, क्योंकि ये वाला उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका नाम क्यू एस है, उसका जो हाइपोटेनस है वो है पी एस। और इसी तरह आप कॉस थीटा और टेन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 जो एक्सरसाइज है ये बहुत ईजी भी है, प्रैक्टिस सेट। और चलिए हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं 8.2 में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।